हाय दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आपके? आपसे ये होता है कि आप गलती से कोई चीज़ डिलीट कर देते हैं अपने अपने कंप्यूटर में, तो उसको वापस लाने का तरीका क्या है? ठीक है, तो हम उसको वापस यूँ लाएंगे कि जी पहले हम डिलीट करके दिखाते हैं। ये हमारी मूवीज़ है, मूवीज़ का फोल्डर है, और उसकी लोकेशन क्या है? लोकेशन है शायद टूल्स ई ड्राइव। ठीक है, ये देखें, ई में शाहिर टूल्स ई ड्राइव, शाहिर टूल्स में गए, फिर मूवीज़ में गए, ये इसकी लोकेशन है। और यहाँ से हम कुछ करेंगे डिलीट। हमारे पास ये देखें आप, थैंक गॉड ये एक मूवी है, तो हम इसको डिलीट करते हैं और इसको रिकवर करेंगे वापस। ठीक है, तो हमने इस पे राइट क्लिक किया, डिलीट किया, और यहाँ आए हम, तो यहाँ पर हमें रिसाइकल बिन में भी थैंक गॉड ये मिल रही है, तो हम इसको कर देते हैं डिलीट। ठीक है, तो हमने कर दिया डिलीट। अब हम क्या करेंगे? अब हम जाएंगे अपने डेटा रिकवरी के सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर का नाम है ईजस डेटा रिकवरी। ठीक है, तो हमने इसको एज एन एडमिन खोला। ईजस डेटा रिकवरी के खुलने के बाद हम आएंगे रिसाइकल बिन में, क्योंकि रिसाइकल बिन से ही होकर डेटा डिलीट हुआ है, तो हम रिसाइकल बिन को स्कैन करेंगे। हमने रिसाइकल बिन को कर दिया और इसने एक मिनट से पहले स्कैन कर दिया पूरे रिसाइकल बिन को। अब इसमें हम अपनी फिल्म तराश करते हैं। थैंक गॉड, ये देखिए, थैंक गॉड ये आ गई। तो हमने इसके ऊपर क्लिक किया और रिकवर दबाएंगे तो ये रिकवर हो जाएगी, लेकिन लोकेशन इसको वो देनी है कि जिस ड्राइव से ये डिलीट हो चुका है, वो ड्राइव उसकी लोकेशन नहीं देनी, दूसरी जगह की लोकेशन देनी है। और अगर पूरा ही रिसाइकल बिन आपको करना है, तो हम इसको जो है यहाँ पर उस पूरे फोल्डर को जो है सेलेक्ट करके आपको करना होगा। जैसे ये खोलते हैं तो ये फोल्डर आ रहे हैं, तो ये सारे फोल्डर आप जो है इस पर चेक आल कर देंगे तो, और यहाँ पर रिकवर दबाएंगे तो ये सबको ही रिकवर कर देगा जो जो आपके रिसाइकल बिन में है। लेकिन हम ये थैंक गॉड को सिर्फ करते हैं रिकवर और दबाते हैं चेक लगा के। अब हम इसको डेस्कटॉप की लोकेशन दे देते हैं, लेकिन याद रखें, आपने अगर डेस्कटॉप से इसको उठाया है तो आप डेस्कटॉप पर ही इसको नहीं करना, आपने रिकवर कहीं और लोकेशन देनी है। ठीक है, यानी उस ड्राइव में लोकेशन नहीं देनी है जिस ड्राइव से डिलीट किया था। ये देखें, पूरी 2.5 GB तकरीबन ये पूरी मूवी जो है ये आपके पास एक मिनट से भी पहले रिकवर हो जाएगी। हंड्रेड परसेंट हो गई, और अब ये फोल्डर खोल देगा। फोल्डर खुलने के बाद हम इसको प्ले करके चेक करेंगे। ये देखें, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।